हम जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की तरफ से आज ये जो मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप सब जानते हैं हाल बर्फबारी की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर हार्टिकल्चर सेक्टर इस सेक्टरों को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ का नुकसान है, मगर हमारे अंदाजे के मुताबिक ये 1500 करोड़ से भी ज्यादा है जो हम देख रहे हैं। ये तो सिर्फ बागात का नुकसान नहीं, मेवा दरख्त एप्पल इंडस्ट्री को ही नुकसान नहीं, बल्कि ड्राई फ्रूट अखरोट बादाम चेरी वगैरह जो कुछ भी है और उसके अलावा बाकी ट्रीज भी जो है उनका सबका ये तो वर्चुअली बर्बादी है, डिवास्टेशन है। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जिंदाबाद, केसीसी कर्ज को माफ करो। आज हम तवक्को कर लेंगे जो सरकार ने ऐलान किया वो रियलिटी में भी बदल जाएगा और किसानों को मुआवजा मिलेगा, मगर हम चाहते हैं कि जिस तरीके से वो ऐलान करते हैं वो माकूल नहीं, माकूल मुआवजा चाहिए। और हम सिर्फ खराब नहीं मांग रहे हैं, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक की तरफ से हम डिमांड करते हैं कि जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सरकार ने जम्मू में इम्प्लीमेंट की है यहाँ क्यों नहीं की, कि यहाँ तो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री यहाँ है और उसको उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो बिल्कुल पड़ी है, अप्रूव्ड स्कीम है सरकार के पास, मगर अभी तक उसको बिल्कुल वहीं पर कागजों में रखा है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और उसके अलावा जो सरकार कह रही है कि हम मुआवजा दें, हम डिमांड कर रहे हैं कि एक वन टाइम केसीसी कर्जजात जो किसानों को बकाया है वो माफ किए जाएं।